नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपकी ब्यूटी एंड वेलनेस की टीचर मिस कपिल रानी, हरियाणा शिक्षा विभाग में आपका और एजुसेट प्रणाली में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, जो है हमारा 10th क्लास का, जिसको हम बोल देते हैं लेवल 2। तो लेवल 2 का जो है फर्स्ट लेसन है, सेकेंड यूनिट का फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है बेसिक डेपिलेशन सर्विस। डेपिलेशन सर्विस मीन्स हेयर को रिमूव करने की सर्विस। जो डेपिलेशन प्रक्रिया होती है उसको हेयर रिमूवल प्रक्रिया ही बोलते हैं, जिसको हम दूसरे शब्दों में डेपिलेशन सर्विस बोल देते हैं। तो आज हम सारे के सारे जितने भी टेक्निक्स हैं वो हम डेपिलेशन सर्विस के बारे में बात करेंगे। जो भी हमारी बॉडी के ऊपर अनवांटेड हेयर होते हैं उनको रिमूव करने की जो प्रक्रियाएँ होती हैं, जो मेथड्स होते हैं, उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे जो है टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में आज हम जो है इस लेसन के अंदर जो भी हम चीज़ें पढ़ेंगे उनके बारे में एक बार नज़र डालते हैं। इस लेसन के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो भी अनवांटेड हेयर को रिमूव करने के जो भी मेथड्स होते हैं उनके बारे में, हमारे टाइप्स ऑफ हेयर के बारे में, हमारे स्ट्रक्चर ऑफ हेयर के बारे में, हमारे ग्रोथ ऑफ साइकिल हेयर के बारे में, ठीक है, क्या क्या वैक्सीन की हानियाँ होती हैं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इम्पोर्टेंस एंड ड्रॉबैक्स क्या क्या होती हैं, क्लाइंट रिकॉर्ड कार्ड हम कैसे फिल करते हैं, उसके अंदर क्या फिल करते हैं, क्लाइंट कंसल्टेशन हम क्यों करते हैं सर्विस देने से पहले, तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। तो जैसा कि हमारा लेसन का नाम मैंने बताया बेसिक डेपिलेशन सर्विस, तो इसके अंदर देखो हमारी बॉडी के ऊपर जितने भी हेयर्स होते हैं वो सभी के सारे अनवांटेड हेयर होते हैं। अनवांटेड का मतलब होता है जिन चीज़ों को हम नहीं चाहते, ठीक है। वांटेड आप ऐसे समझ सकते हैं कि वांटेड मतलब चाहना, जो चीज़ हम चाहते हैं, अनवांटेड जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है। तो जो भी हमारी बॉडी के ऊपर हेयर होते हैं उनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, हम चाहते हैं कि वो हेयर आए ही ना, ताकि हमारी बॉडी क्लीन रहे, सुंदर दिखे, इसलिए उनको अनवांटेड हेयर कहा जाता है, ठीक है। तो हमारी पाम, हमारे पैरों के नीचे जो स्किन होती है उसको छोड़ के, लिप्स को छोड़ के हमारी पूरी बॉडी पे हेयर होते हैं और उनको अनवांटेड हेयर कहा जाता है। तो एक जो ब्यूटी थेरेपिस्ट होती है उसको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, इस बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि हेयर्स को रिमूव करने के कितने मेथड्स होते हैं, क्योंकि हर एक क्लाइंट हर एक मेथड यूज़ नहीं कर सकता है। सबके अपना इंटरेस्ट होता है, कोई वैक्सीन के थ्रू हेयर रिमूव करवाता है, कोई डेपिलेशन क्रीम के थ्रू रिमूव करवाता है, तो उसको सभी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, सभी जो मेथड्स होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, ताकि हम क्लाइंट को सर्विस अच्छे से दे सकें और उसको सेटिस्फाई कर सकें। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट अनवांटेड हेयर को जो है रिमूव करने के ऑप्शंस कौन कौन से होते हैं, मतलब हम कितने तरीकों के द्वारा जो हमारे हेयर्स होते हैं बॉडी के उनको रिमूव कर सकते हैं, कितने मेथड के द्वारा, कितनी ट्रिक्स होती हैं, कितने ऑप्शंस होते हैं। तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन आता है डेपिलेशन क्रीम। प्यारे विद्यार्थियों, डेपिलेशन क्रीम को हम हेयर रिमूवल क्रीम भी बोल देते हैं। मार्केट के अंदर बहुत सारी हेयर रिमूवल क्रीम आपको मिलेंगी अलग अलग नाम से, तो उन्हीं को डेपिलेशन क्रीम कहा जाता है। लेकिन इस क्रीम के अंदर केमिकल्स होते हैं और ये हमारी स्किन के लिए हार्मफुल हो सकती है, इसलिए बिना पैच टेस्ट के कभी भी डेपिलेशन क्रीम का यूज़ ना करें, ये स्किन के लिए हार्मफुल हो सकती है, ठीक है। आसान तरीका है, मानते हैं कि मतलब पेनलेस तरीका है, पेन नहीं होता, आप आसानी से हेयर को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन जो जितना आसान फ़ायदा होता है उतना हार्मफुल भी हो सकता है, ठीक है। तो आसान के चक्कर में हमें अपनी बॉडी को हार्म नहीं करना है, तो इसके बारे में अच्छे तरह से यूज़ करने से पहले इंस्ट्रक्शन जो होते हैं उसके अंदर वो अच्छे से आप रीड करके ही उसको यूज़ करें, ठीक है। ये हमारी जो डेपिलेशन क्रीम होती है ये सिर्फ हमारी ऊपर वाली स्किन से ही हेयर्स को रिमूव करती है, मींस जो हमारी एपिडर्मिस जो लेयर होती है, जो ऊपर वाली सतह, सिर्फ यहीं से हेयर को रिमूव करती है, जड़ से हेयर को रिमूव नहीं करती, ठीक है। तो हेयर भी जल्दी से आ जाएंगे, ग्रोथ भी जल्दी से आ जाएगी, क्योंकि सिर्फ हमारी ऊपर वाली स्किन से हेयर रिमूव होंगे तो वो जल्दी ही ग्रोथ दिखने लग जाती है। सेकेंड हम बात करें, हमारा ऑप्शन आता है शेविंग क्रीम। तो ये भी हमारा एक टेम्परेरी हेयर रिमूवल मेथड है,
ज़्यादातर शेविंग जो है मेंस करते हैं, बॉयज़ और मैन करते हैं। आपने देखा होगा घरों में अपने भाई को, अपने फादर को करते हुए ज़्यादातर शेविंग वो ही यूज़ करते हैं, क्रीम शेविंग क्रीम लगा के, और सिर्फ जो है रेज़र से वो आसानी से शेविंग कर सकते हैं। आसान तरीका है, पेनलेस तरीका है, कोई केमिकल यूज़ नहीं होता तो आसान है। लेकिन शेविंग करने के बाद जो है हेयर्स जो आते हैं वो थोड़े से हार्ड आते हैं बजाय वैक्सिंग करने के, ठीक है। ये भी हमारा रूट से रिमूव नहीं करता, सिर्फ हमारी ऊपर वाली सतह से ही हेयर को रिमूव करती है ये वाली प्रक्रिया। थर्ड हमारे जो प्रक्रिया है वो है ट्वीजिंग। एक होता है ट्वीज़र, जो हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, ये है ट्वीजिंग, ठीक है। ट्वीज़र एक गैजेट होता है जो आमतौर पर सबके घरों में भी होता है, जिसको हम बोल देते हैं चिमटी होती है दोनों साइड से, जिसको पकड़ के हम हेयर को पुल करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो थ्रेडिंग के जो हेयर होते हैं वो कोई हेयर एक दो रह जाता है, तो उस एक आधे हेयर को पुल करने के लिए, खींचने के लिए हम ट्वीज़र का यूज़ करते हैं, जिसको हम घरों में चिमटी भी बोल देते हैं, ठीक है। तो चिमटी से सभी को याद आ गया होगा कि ट्वीज़र क्या होता है। तो ट्वीज़र से हेयर को निकालने की प्रक्रिया ट्वीजिंग कहलाती है, समझे। ट्वीज़र का यूज़ करके जो हम हेयर्स को पुल करते हैं, निकालते हैं, उस प्रक्रिया को हम ट्वीजिंग बोल देते हैं। लेकिन ये हम सभी हेयर्स को रिमूव करने के लिए तो नहीं कर सकते, ये सिर्फ मेथड तब के लिए है जब एक दो हेयर रह जाए उसको रिमूव करने के लिए, अदरवाइज हम ज़्यादा हेयर्स को इससे रिमूव नहीं कर सकते, बहुत टाइम कंज्यूमिंग तरीका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारा फोर्थ पॉइंट की तरफ, जो है हमारा वैक्सिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। जो है वैक्सिंग होती है एक, ये भी हमारा टेम्परेरी हेयर रिमूवल मेथड है, लेकिन इसके द्वारा हम जो है रूट से हेयर को रिमूव कर सकते हैं, जिसके बाद जो है हेयर की ग्रोथ होती है वो काफ़ी टाइम तक नहीं आती, कम से कम भी आप 4 से 5 हफ्तों तक उसकी ग्रोथ लेट आती है, बाद में आती है। और जो भी ग्रोथ आती है वो स्लो आती है, मतलब जो है हमारी हेयर्स की जो ग्रोथ है वो बिल्कुल स्मूद आएगी। जैसे हम शेविंग करते हैं तो उसमें तो हार्ड आती है, लेकिन वैक्सिंग करने के बाद जो हेयर की जो ग्रोथ है वो कैसी आएगी, हमारी स्मूद आएंगी, हेयर हमारे लाइट आएंगे, ठीक है। तो वैक्सिंग भी हमारी टेम्परेरी हेयर रिमूवल प्रक्रिया है, लेकिन इसके फ़ायदे हम बाद में बताएंगे, ठीक है। तो ये अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ अनवांटेड हेयर को रिमूव करने के तरीकों के बारे में, ठीक है। तो ये भी हमारा वैक्सिंग होता है, इसके अंदर वैक्सिंग होती है, एक मार्केट के अंदर आपको मिल जाती है, ठीक है। अदरवाइज आप घर पर भी बना सकते हैं, जो है शुगर को आप मेल्ट करके पानी के अंदर, उसके अंदर लेमन मिला के आप घर के अंदर भी वैक्सिंग को तैयार कर सकते हैं। अदरवाइज आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं, वो आपका कम खर्चीला होगा बजाय जो है आपके अदर ट्रीटमेंट के, ठीक है। तो इसके फ़ायदे के बारे में हम बाद में जानेंगे, जो भी इसके ड्रॉबैक्स होते हैं, फ़ायदे होते हैं, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट जो आता है हमारा पॉइंट जो है वो आता है लेज़र ट्रीटमेंट। अभी हमने बात किया था डेपिलेशन क्रीम, शेविंग, जो है ट्वीजिंग, वैक्सिंग, एंड फिफ्थ आता है हमारा जो टेक्निक होती है रिमूवल की, वो ऑप्शन है लेज़र ट्रीटमेंट। विद्यार्थियों, जो लेज़र ट्रीटमेंट होता है वो कोई, इसके अंदर किसी प्रोडक्ट का यूज़ नहीं होता, ये एक जो है क्लिनिकल प्रोसेस होती है, इसको कोई एक्सपर्ट ही कर सकता है जो स्किन स्पेशलिस्ट होता है। इसके अंदर मशीन होती है, लेज़र मशीन होती है, जिसके द्वारा जो क्या किया जाता है, हमारे हेयर्स को, जो हमारे हेयर रूट होता है उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, उसको ख़त्म किया जाता है, ताकि जो हेयर की ग्रोथ है वो, अगर हमारा जो है अंदर से हेयर रूट ही ख़त्म हो जाएगा तो हेयर आएंगे नहीं। ये एक परमानेंट एक टेक्निक होती है लेज़र ट्रीटमेंट, ठीक है। ये हम किसी डॉक्टर से या स्किन स्पेशलिस्ट से, क्लिनिक से ही इसको करवा सकते हैं, ज़्यादातर सैलून के अंदर इसको नहीं किया जाता, या फिर कोई बड़े बड़े सैलून होते हैं जिनके अंदर क्लिनिकल वर्क भी होता है, ठीक है, उनके अंदर आप करवा सकते हो। तो ध्यान रखें कि जब भी आप लेज़र ट्रीटमेंट करवाएं तो किसी एक्सपर्ट से ही करवाएं, ये एक परमानेंट टेक्निक होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस टेक्निक। जो इलेक्ट्रोलिसिस जो टेक्निक होती है ये भी एक परमानेंट जो है हेयर रिमूवल टेक्निक होती है, लेकिन इसके जो रिजल्ट हैं वो लेज़र ट्रीटमेंट से ज़्यादा अच्छे होते हैं। बजाय लेज़र ट्रीटमेंट हमारा फेल भी हो सकता है, जो है रिजल्ट हमारे नेगेटिव भी जा सकते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रोलिसिस जो ट्रीटमेंट होता है इससे भी क्या करता है, जो एक निडल के थ्रू हमारे स्किन के अंदर जाके एक एक जो है हमारा हेयर रूट होता है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है बिल्कुल, और ये एक परमानेंट जो है टेक्निक होती है, और ये लेज़र ट्रीटमेंट से ज़्यादा बेस्ट होती है।
तो जब भी इलेक्ट्रोलिसिस अगर ट्रीटमेंट करवाएं वो भी आप किसी एक्सपर्ट से ही करवाएं, किसी जिसको एक्सपीरियंस ना हो वहाँ पे आप रिस्क ना लें, क्योंकि ये एक क्लिनिकल प्रोसेस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लीचिंग के बारे में। अब आप बात करेंगे एक ब्लीच के बारे में, तो सबने पढ़ा है, ये तो कोई हेयर रिमूवल टेक्निक तो नहीं होती। सही कहा आपने और सही समझा, क्योंकि ब्लीचिंग कोई भी हेयर रिमूवल टेक्निक नहीं है, लेकिन लेकिन ब्लीच से हम हेयर को कम दिखा सकते हैं। क्या समझे? कि ब्लीच कोई हेयर रिमूवल प्रोसेस तो नहीं है, लेकिन ब्लीच करके हम हमारी जो ज़्यादातर फेशियल हेयर को छिपाने के लिए हम ब्लीच का यूज़ करते हैं। तो ब्लीच क्या काम करती है, इसके अंदर जो है एक्टिवेटर डाला जाता है, ये भी वैसे तो है तो केमिकल ही, लेकिन आप किसी एक्सपर्ट से ही करवाएं, ज़्यादा एक्टिवेटर डालेंगे तो स्किन के लिए हार्मफुल हो सकता है, तो किसी एक्सपर्ट थेरेपिस्ट से ही करवाएंगे आप। तो ब्लीचिंग क्या होता है, जो भी हमारे फेशियल हेयर होते हैं, लाइक जो ज़्यादातर जो हेयर होते हैं हमारे अपर लिप्स होते हैं, साइड फेस पे होते हैं, साइड चिन पे होते हैं, जो हमारे हेयर्स होते हैं ये ब्लैक हेयर होते हैं फेस के ऊपर, ठीक है, आप आसानी से ये विजिबल होते हैं, इनको देख सकते हैं, तो थोड़ा सा गंदे लगते हैं ये, तो इनको लाइट करने के लिए, मतलब इनके कलर को लाइट करने के लिए हम ब्लीचिंग का यूज़ करते हैं। ब्लीचिंग के यूज़ से क्या होता है कि जो हमारे हेयर्स होते हैं फेस के, ये हमारे स्किन के कलर जैसे हो जाते हैं, हल्का हल्का इनका गोल्डन कलर हो जाता है, लाइट कलर हो जाता है। तो ये क्या काम करती है, जो एक्टिवेटर जो होता है ब्लीचिंग के अंदर, वो क्या काम करता है, जो हमारे हेयर के अंदर जो पिगमेंट होता है उसके कलर को चेंज कर देता है। अब आप कहेंगे पिगमेंट क्या होता है, हमने पहले भी लेसन में जिक्र किया था, इसके बारे में पढ़ा था कि जो हमारे मेलनोसाइट्स जो सेल्स होते हैं उनके अंदर पिगमेंट सेल होते हैं जो मेलानिन बनाते हैं, और जो मेलानिन और पिगमेंट होते क्या काम करते हैं, हमारी स्किन को कलर प्रदान करते हैं। जो हमारी बॉडी का कलर होता है गोरा सांवला जो भी, वो पिगमेंट के कारण ही होता है। सेम हमारे हेयर के अंदर भी होते हैं, ये हेयर का कलर भी हमारे पिगमेंट के कारण ही होता है। तो जो पिगमेंट होता है उसको, जो ब्लैक कलर का पिगमेंट होता है उसको चेंज कर देते हैं और वो लाइट गोल्डन कलर का हो जाता है, जिससे कि हेयर्स क्या दिखेंगे, बहुत ही कम दिखेंगे, बहुत ही लाइट दिखेंगे, और जो है हमारा फेस के ऊपर जो है ज़्यादा हेयर विजिबल नहीं होंगे। तो इसलिए ये एक इसके अंदर मेथड शामिल किया गया है, लेकिन ध्यान रखें ये कोई हेयर रिमूवल प्रोसेस नहीं होती। अब बात हम करेंगे टाइप्स ऑफ हेयर की, हेयर कितने टाइप के होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। जो हमारे बॉडी के अंदर हेयर होते हैं वो चार टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला स्कैल्प हेयर, आई लैशेज हेयर, बॉडी हेयर एंड प्यूबिक हेयर। अब हम बात करेंगे थोड़ा इनके बारे में कि स्कैल्प हेयर, स्कैल्प का सबको पता है, किसको बोलते हैं स्कैल्प बताइए। स्कैल्प हम बोलते हैं हमारी सिर की स्किन को, ये हमारी जो सिर की स्किन होती है इसको हम स्कैल्प बोलते हैं, और हमारे ये जो हैं ये हमारे स्कैल्प हेयर हैं, ठीक है। तो हमारे एक तो जो टाइप्स ऑफ हेयर के अंदर पहला आ गया हमारा स्कैल्प हेयर, जो हमारे सिर के ऊपर होते हैं ये। सेकंड आता है आई लैशेज हेयर, आई लैशेज को आपका पता है जो हम पलके जो होती हैं, या फिर जो है इनको हम आई लैशेज हेयर भी बोल देते हैं। तो जो आई लैशेज हेयर होते हैं ये क्या काम करते हैं, हमारे जो धूल मिट्टी होती है वो आँखों के अंदर डस्ट को जाने से रोकते हैं, ठीक है। जब भी आप कभी भी देखना, जब भी आप किसी धूल मिट्टी का काम करेंगे तो आपकी जो आई लैशेज हैं उनके ऊपर वाइट वाइट आपको धूल नज़र आएगी, इसका मतलब वो हमारे आँखों को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं, हमारे आँखों के अंदर डस्ट को जाने से रोकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड बॉडी हेयर, सभी को पता है अभी हम बात कर रहे हैं बॉडी के अनवांटेड हेयर के बारे में ही, ठीक है। तो जो हमारे बॉडी हेयर होते हैं ये हीट इंसुलेटर होते हैं, मीन्स ये एक हीट बॉडी के अंदर पैदा करने का काम भी करते हैं, बॉडी को वार्म अप करने का भी काम करते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि सर्दियों के अंदर हमारी बॉडी बिल्कुल वार्म रहती है, तो एक इनका भी रोल होता है, हमारे हेयर्स का भी, बॉडी को हीट प्रदान करना, बॉडी को वार्म अप रखना, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा प्यूबिक हेयर, जो प्राइवेट पार्ट्स के जो हेयर होते हैं उनको प्यूबिक हेयर बोला जाता है। ये भी हमारे जो एक्स्ट्रा मूवमेंट होती है जिसके कारण जो है हरासमेंट जो पार्ट्स में होती है उनके प्रोटेक्शन के लिए जो है ये हेयर होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ हेयर के बारे में। नेक्स्ट हम चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हेयर। हमने जो है 10th क्लास के फर्स्ट लेसन में हमने स्ट्रक्चर ऑफ स्किन के बारे में बात की थी। स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना,
ठीक है, मतलब बनावट उसकी, कि किन चीज़ों से जो है बना है हमारा हेयर, उसके बारे में वो होता है। तो स्किन के बारे में हमने बात की थी, स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, जैसे कि हमारी एपिडर्मिस लेयर थी, डर्मिस लेयर थी, तो सेम हम बात करेंगे अभी स्ट्रक्चर ऑफ हेयर के बारे में। तो जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ हेयर है, इसके अंदर हम देखेंगे कि सबसे पहले बात काम करते हैं जो हमारा सिंगल हेयर होता है, जो हमारा सिंगल हेयर होता है इसको हम हेयर शेफ्ट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड हेयर शेफ्ट। ठीक है, हमारे जो हेयर्स की तीन लेयर होती हैं, हेयर की कितनी लेयर होती हैं? तीन लेयर होती हैं, कौन कौन सी? क्यूटिकल, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। तो जो क्यूटिकल हमारी हेयर ग्रोथ साइकिल होती है, ये हमारी सबसे हेयर ग्रोथ साइकिल नहीं होती, लेयर होती हैं ये, जो क्यूटिकल लेयर होती है वो हमारी सबसे फर्स्ट वाली लेयर होती है। जैसे हमारी स्किन के बारे में पढ़ा था, फर्स्ट लेयर थी एपिडर्मिस, सेकंड थी डर्मिस और लास्ट थी हमारी हाइपोडर्मिस। सेम दिखने में हमारा बाल एक बहुत ही पतला सा एक वायर जैसा है, बहुत ही पतला, ही देखिए आपको दिखेगा भी नहीं, मैंने एक बाल हाथ में ले रखा है ना, तो दिखने में एक बहुत ही पतला सा हेयर है, लेकिन इस हेयर की भी तीन लेयर होती है, यू नो, इस हेयर की भी तीन लेयर होती हैं। हमारा हेयर तीन परतों से मिलके बना है, वही तीन परतें हैं हमारी क्यूटिकल, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। तो जो क्यूटिकल जो हमारी परत होती है, ये हमारी हेयर की सबसे फर्स्ट वाली परत होती है, जो हमारे हेयर को हार्मफुल प्रोडक्ट से प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि जैसे हमारी स्किन की जो फर्स्ट लेयर थी वो बाकी लेयर की जो है प्रोटेक्ट करती थी वो बाहर की चीज़ों से, सेम हमारी जो क्यूटिकल परत होती है ये हमारी हार्मफुल चीज़ों से जो है हमारी हेयर की रक्षा करती है। सेकंड आती है कॉर्टेक्स लेयर, कॉर्टेक्स हमारी सेकंड लेयर होती है, ठीक है, सेकंड लेयर होती है क्यूटिकल के बाद। तो जो कॉर्टेक्स लेयर होती है वो दूसरी लेयर होती है, और जो भी हम केमिकल प्रोसेस करते हैं वो हमारा सेकंड लेयर पे ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी परत आती है मेडुला, ये हमारी थर्ड लेयर होती है, और जो भी पिगमेंट वगैरह होते हैं सारे वो हमारे थर्ड लेयर के अंदर ही होते हैं। तो हमारे जो हेयर है उसकी तीन लेयर कौन कौन सी हो गई? क्यूटिकल, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। अब हम बात करेंगे हेयर ग्रोथ साइकिल के बारे में। हेयर ग्रोथ साइकिल का मतलब होता है, साइकिल का मतलब क्या होता है? चलना, ठीक है। हेयर ग्रोथ साइकिल का मीन्स हो गया हमारे बाल लगातार डेली बढ़ते रहते हैं, हमें पता नहीं लगता लेकिन डेली हमारे बालों की ग्रोथ होती रहती है, चाहे वो इतनी सी ही क्यों ना हो, ठीक है। तो हमारी जो ग्रोथ साइकिल है, मतलब बालों की बढ़ने की जो गति है, उसको तीन साइकिल में बांटा गया है, मतलब तीन चरणों में बांटा गया है। कौन कौन से? एनाजन, कैटाजन एंड टेलोजन, ठीक है। जो हमारा जो बाल होता है वो एक मंथ में हाफ इंच ग्रोथ करता है। हाफ इंच मतलब अगर हम सेंटीमीटर में बात करें, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की जो है वन मंथ के अंदर हमारा हेयर कितनी ग्रोथ करता है, कितने सेंटीमीटर ग्रोथ करता है, वो इंच में ना पूछ के सेंटीमीटर में पूछ लेते हैं। तो अगर सेंटीमीटर में देखेंगे तो 1.25 सेंटीमीटर, अगर हम इंच में बात करेंगे तो हाफ इंच, ठीक है। हाफ इंच हमारा जो हमारा एक इंच होता है इतना, और हाफ इंच होता है इतना, तो वन मंथ में हमारे जो है कितने हेयर ग्रोथ करते हैं? हाफ इंच, ठीक है। सेंटीमीटर में बात करें तो 1.25 सेंटीमीटर, तो हमारे ग्रोथ बालों की इतनी होती है। और डेली जो है हमारे जो बाल झड़ते हैं, हेयर फॉल होता है, डेली 80 से 100 बाल जो टूटना होता है वो नॉर्मल होता है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा हेयर फॉलिंग हो तो ये समस्या है, चिंता का विषय है, आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे ग्रोथ साइकिल के बारे में, जो तीन साइकिल थी हमारी, एनाजन, कैटाजन, टेलोजन। तो हम फर्स्ट जो साइकिल के बारे में बात करेंगे, एनाजन साइकिल। जो एनाजन साइकिल होती है इसको ग्रोथ फेस भी बोल देते हैं। ग्रोथ फेस किस लिए बोलते हैं? क्योंकि यहीं से बाल बढ़ना स्टार्ट करता है, ठीक है। जो हमारा बाल होता है वो लगातार बढ़ता रहता है, जैसा कि मैंने बताया वन मंथ के अंदर हमारा बाल हाफ इंच बढ़ता है या फिर 1.2 सेंटीमीटर बढ़ता है। इट मीन्स ग्रोथ फेस क्या होता है? ग्रोथ का मतलब ग्रोथ करना, उगना, ठीक है। तो
जो ग्रोथ फेस होता है, जो एनाजन साइकिल होती है, इसके अंदर हमारा जो बाल है वो हर समय ग्रोथ करता रहता है, बढ़ता रहता है। सेकंड जो होता है हमारी साइकिल वो होती है कैटाजन साइकिल, ठीक है। कैटाजन जो साइकिल होती है उसको ट्रांजिशनल फेस भी बोल देते हैं। जो एनाजन जो फेस था वो हमारा होता है जहाँ से हमारा बाल जब स्कैल्प से ऊपर आता है, मीन्स जब हमारा बाल रूट से बढ़ना स्टार्ट होता है, रूट से बढ़ के वो स्कैल्प तक आता है, वो हमारा एनाजन फेस होता है। ट्रांजिशनल फेस होता है कि स्कैल्प से निकल के वो बाहर आ जाए, थोड़ी दूर तक स्कैल्प से निकल के वो यहाँ तक आ गया मान लो, तो वो हो गया हमारा ट्रांजिशनल फेस। अब हम बात करते हैं टेलोजन फेस की। टेलोजन फेस को रेस्टिंग फेस कहा जाता है। तो जो एनाजन फेस है उसमें बाल क्या हुआ, रूट से निकला स्कैल्प तक आया, उसके बाद स्कैल्प से निकल के आगे तक आया, वो हो गया हमारा दूसरा फेस, कैटाजन साइकिल होगी जिसको ट्रांजिशनल फेस कहते हैं। उसके बाद यहाँ से बढ़ के वो नीचे आ गया, ये वाली चीज़, इसको हम बोल देते हैं टेलोजन साइकिल, मतलब इसको बोलते हैं रेस्टिंग फेस। टेलोजन साइकिल का दूसरा नाम क्या है, रेस्टिंग फेस भी इसको बोलते थे। रेस्टिंग मतलब, रेस्ट का मतलब होता है कोई भी चीज़ एक जगह पे आके रुक जानी। तो ऊपर से बाल उगता हुआ स्टार्ट आया और हमारे जो ये हेयर होते हैं ये ग्रोथ नहीं करते, ये तो एक जगह पे आके रुक गए, मतलब ये एक जगह पे आके रेस्ट कर रहे हैं। इनका काम है, कुछ भी काम नहीं है, सिर्फ रेस्ट करना काम है, ठीक है। हमारे जो बालों की ग्रोथ है वो तो अंदर से हो रही है, ठीक है, तो अंदर से बढ़ के ही वो यहाँ तक आते हैं, तो इनका काम सिर्फ रेस्ट करना होता है, इसलिए इनको रेस्टिंग फेस कहा जाता है। अंडरस्टैंड। तो ये तो हो गए हमारे तीन चरण बालों के बढ़ने के। अब हम बात करेंगे वैक्सिंग के बारे में। जो वैक्सिंग होती है, अभी हमने पहले बात किया था सिर्फ हेयर रिमूवल टेक्निक के अंदर, जो हमने थोड़ा सा पढ़ा था वैक्सिंग के बारे में, अब हम थोड़ा सा डिटेल से वैक्सिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो जो वैक्सिंग होती है वो हमारी क्या होती है, मैंने बताया आपको टेम्परेरी हेयर रिमूवल टेक्निक होती है, और इसके अंदर जो है जैसे कि मान लो जो ट्वीजिंग होती है प्रक्रिया या फिर शेविंग होती है, उसके अंदर हम जो है इतना क्लीन मतलब हमारी स्किन को नहीं बना सकते जितना हम वैक्सिंग से कर सकते हैं। एक तो जो वैक्सिंग होती है उसके इम्पोर्टेंस की बात हम करें तो जो वैक्सिंग होती है ये हार्मफुल नहीं होती, इसके अंदर कोई केमिकल नहीं होता, ठीक है। सिर्फ वैक्सिंग को गर्म करके, हाँ इतना ध्यान रखें कि किसी एक्सपर्ट से ही करवाएं। वैक्सिंग को गर्म किया जाता है, उसके बाद हेयर डायरेक्शन में लगाया जाता है, जिस साइड हमारे हेयर की डायरेक्शन होती है, मान लो हमारे हेयर की डायरेक्शन इधर है तो हम वैक्सिंग को लगाएंगे स्पैचुला की हेल्प से इसी साइड, उसके ऊपर स्ट्रिप रखी जाती है और उसको अपोजिट डायरेक्शन में पुल किया जाता है। वैक्सिंग को लगाते हैं ऐसे और जब स्ट्रिप को जब हम पुल करेंगे खींचेंगे तो हम उल्टी दिशा में खींचेंगे, ठीक है। तो वैक्सिंग से हम एक तो एक ये पेनलेस कम तरीका होता है, ज़्यादा पेन नहीं होता, कम खर्चीला होता है, ज़्यादा खर्चीला भी नहीं होता, ठीक है। थर्ड फायदा सबसे ज़्यादा कि हम एक साथ बड़े हिस्से से हेयर को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। हम मतलब हमारी इतनी चौड़ाई होती है स्ट्रिप्स की, हम एक साथ बड़े हिस्से से पूरे यहाँ पे अप्लाई करके एक साथ हम ज़्यादा हिस्से से रिमूव कर सकते हैं, टाइम कम लगता है, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका फ़ायदा होता है, स्किन हमारी क्लीन हो जाती है, जो डेड स्किन होती है वो रिमूव हो जाती है, हमारी स्किन अच्छी दिखती है, ठीक है। कम खर्चीली होती है, ज़्यादा खर्चीली नहीं होती। तो अब ये तो थी हमारी इम्पोर्टेंस, फ़ायदे। अब हम बात करेंगे कोई भी चीज़ हो जाए अगर उसके फ़ायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। तो वैक्सिंग के नुकसान की हम बात करें तो थोड़ा सा पेन होता है इसके अंदर, ज़्यादा पेन नहीं होता, जो रेगुलर करवाते हैं वो हैबिचुअल हो जाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में जो करवाएगा उसको थोड़ा सा पेन होगा। दूसरा, अगर किसी की सेंसिटिव स्किन है उसको दाने हो सकते हैं, लेकिन घबराएं नहीं, वो आप एलोवेरा जेल लगा के या आफ्टर लोशन लगा के, आफ्टर वैक्सिंग लोशन भी आता है उसको लगा के, या ठंडे पानी से आप क्लीन करके आइसिंग लगा के वो नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है। तो जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है वो ना करें, उनकी स्किन रेड हो सकती है, ठीक है। तो थोड़े से नुकसान है, ज़्यादा वैक्सीन के नुकसान नहीं है, बाकी फ़ायदे ज़्यादा हैं। तो अब हम बात करेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ वैक्सीन। कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब होता है कि ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं देते, ठीक है। मान लो कॉन्ट्राइंडिकेशन फेशियल के भी कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं, थ्रेडिंग के भी कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं,
ठीक है, हम हेयर कलर करते हैं उनके भी कॉन्ट्राइंडिक्शन होते हैं। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति जिसके अंदर हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। तो ऐसी कौन सी सिचुएशन होंगी, ऐसे कॉन्ट्राइंडिकेशन कौन से होंगे जिनकी वजह से हम वैक्सिंग नहीं कर सकते। सबसे पहले अगर स्किन के ऊपर कोई चोट, कट, घाव हो तो भी हम वैक्सिंग नहीं करेंगे। सेकंड, अगर हमारी स्किन हाइपर सेंसिटिव हो तो भी हम वैक्सिंग नहीं करेंगे। अगर हमारी स्किन के ऊपर रैशेज वगैरह हों तो भी हम वैक्सिंग नहीं करेंगे। अगर हमारी स्किन के ऊपर दाने वगैरह हों पहले से तो भी हम वैक्सिंग नहीं करेंगे। प्रेग्नेंट जो वुमेन होती है उसके ऊपर भी हम वैक्सिंग नहीं करेंगे। तो बहुत से ऐसे मेथड हैं, बहुत से ऐसे कॉन्ट्राइंडिकेशन हैं जिनके अंदर हम वैक्सिंग नहीं करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम कंसल्टेशन की। कंसल्टेशन क्या होता है? कोई भी ट्रीटमेंट हो, चाहे सैलून के अंदर हम कोई भी ट्रीटमेंट देने से पहले कंसल्टेशन जरूर करते हैं। कंसल्टेशन होता है कंसल्ट करना ट्रीटमेंट देने से पहले क्लाइंट को। कंसल्टेशन के अंदर हम क्लाइंट से हम सारी बातें पूछते हैं कि आपकी स्किन पे कोई एलर्जी तो नहीं है, आपको आपने पहले वैक्सीन करवाई है, कोई रिएक्शन तो उसका नहीं हुआ, ठीक है, उसके उसको प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, उसको प्रोसेस के बारे में बताएंगे, उसे डिस्कस करना ही क्लाइंट कंसल्टेशन कहलाता है। लास्ट के अंदर आता है क्लाइंट रिकॉर्ड कार्ड। सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होता है, कभी भी कोई भी सर्विस देने के बाद आप क्लाइंट का रिकॉर्ड कार्ड अवश्य फिल करें, क्योंकि इससे हमें जो है क्लाइंट का एक तो पूरा डिटेल मिल जाएगी। जैसे कि जो क्लाइंट रिकॉर्ड कार्ड होता है उसके अंदर हम क्या क्या फिल करते हैं, क्लाइंट का नेम, क्लाइंट के जो सर्विस दी है उसका उसके बारे में, ठीक है, उसकी अपॉइंटमेंट का टाइम क्या था, कौन सी डेट को आया था उसके बारे में, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, ठीक है, उसका सारा सब कुछ डिटेल, कौन सी उसने सर्विस ली है, उसको सर्विस पसंद आई या नहीं आई, वो पहले कहाँ सर्विस लेता था, उसने हमारे पास फर्स्ट टाइम सर्विस ली है या हमारा परमानेंट कस्टमर है, ठीक है, वो सेटिस्फाइड है या नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ऐसे बहुत सारे कॉलम होते हैं जो क्लाइंट रिकॉर्ड कार्ड में होते हैं, उनको हमें फिल करना होता है। ठीक है, तो विद्यार्थियों ये तो था हमारा आज का टॉपिक, बेसिक डेपिलेशन सर्विस। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, मैंने हर एक पॉइंट क्लियर करने की कोशिश की है। अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, और जो है क्लास में आप अच्छे से उसको समझ सकते हैं, और ज़्यादातर आपको पूरी हेल्प मिल ही जाएगी इन टॉपिक के बारे में जो मैंने बताया है। तो आशा करती हूँ आप, इन्हीं के साथ अपने शब्दों को विराम देती हूँ, अपने घरों में सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से लेसन को करिए, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी बनते हैं वो बनाइए आप। जैसे कि आप अनवांटेड हेयर किसको बोलते हैं, हेयर की लेयर कितनी टाइप्स की होती हैं, हेयर ग्रोथ साइकिल कितने टाइप्स की होती हैं, एक मंथ में कितना सेंटीमीटर हमारा है, कितना इंच बाल ग्रोथ करता है, ठीक है, तो डेपिलेशन क्रीम क्या होती है, जो परमानेंट हेयर रिमूवल मेथड होते हैं उनके नाम क्या होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप खुद जो मैंने समझाया है खुद बना के देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। इसी के साथ आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।